ये आप देख पा रहे होंगे कि इसको मैंने क्लीन कर दिया और इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये LCD अभी ग्लास इसके ऊपर चेंज हुआ है। ये आपको LCD नज़र आ रही होगी, बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही होगी। अगर आप इस तरह की कोई भी LCD अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ये मशीन परचेज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। आपके लिए मैं हर बारी एक कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या कोई नई मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी आई होती है उसको दिखाने के लिए मैं जगह जगह आपके लिए चला जाता हूं। तो मैं आज आपको लेकर आया हूं क्रिएटिव इंजीनियरिंग। यहां पर मैं इससे पहले आपको दो बारी पहले भी यहां की मैं आपके लिए वीडियो शूट कर चुका हूं। ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तीसरा वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, क्योंकि आज जो इन्होंने नया मॉडल लॉन्च किया है वो मैंने उसके ऊपर LCD तैयार की है, उसकी क्या फिनिशिंग है ये आप देख पा रहे हैं। और ये जो मैंने तैयार करी है इस मशीन से मैंने इस LCD को तैयार करी है और इसके अंदर क्या क्या खास बात रहने वाली है सर हमारे साथ है, इसके ऊपर क्या वारंटी रहने वाली है वो भी हमें बताएंगे, क्या गारंटी रहने वाली है वो भी हमें बताएंगे। सबसे बड़ी बात आती है बजट को लेकर। एक मेरी YouTube पर वीडियो डली हुई है जिसमें कि मैंने एक मशीन बोली है 28,000 रुपये की। मेरे पास उसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट आते हैं सर वो 28,000 रुपये वाली मशीन वो थी मेड इन चाइना मशीन थी, उसकी ना तो कोई गारंटी थी ना वारंटी थी। ये जो मशीन है यहाँ आपको मेड इन इंडिया मिलने वाली है, आपके बजट में मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको वारंटी के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ओनली सिर्फ गारंटी मिलेगी। जैसे अभी तक मार्केट के अंदर आपने देखा होगा काफ़ी भाई हमारे वीडियो बनाते हैं और उसके अंदर वो ये बोलते हैं कि अगर PLC में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वारंटी नहीं होती, मगर यहाँ पर आपको PLC के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको उसके अंदर भी वारंटी मिलने वाली है। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पता करते हैं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आज कुछ ऑफर भी है आपके लिए। चलिए आप वीडियो पर इसी तरह बने रहें। तो हेलो सर। यस, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है सर। थैंक यू दोस्तों, मैं रवि शुक्ला सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतर मशीन के साथ साथ इन मशीनों पे एक बेहतर ऑफर्स भी लेके आया हूँ। दोस्तों वो ऑफर्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले समीर भाई ने आपके लिए एक डिस्प्ले बनाया था सेम इसी मशीन में बनाए थे, ये मशीन है उस मशीन में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोस्तों, छोटा सा डिफरेंट है। इसमें से एक हमारा एक LCD जो पहले बटन में आपको घुमाना पड़ता था घुमाने की जगह एक डिजिटल एक स्मार्ट दिखेगा ऐसा आपको लोग बना दिया गया है। और इसमें आप सबसे पहले आपको इस मशीनों में सेम ऐसा बबल रिमोट मिलेगा, 2-in-1 मशीन में ऐसा सेम आएगा पंचिंग मशीन प्लस बबल रिमोट। इसमें आपका प्रेशर रेगुलेटर, आपका 2 प्रेशर रेगुलेटर आएगा सामने, इसमें आपका एक फर्स्ट नंबर ऊपर प्रेशर रेगुलेटर और सेकेंड नंबर में नीचे प्रेशर रेगुलेटर रहेगा, ऐसा सेम प्रेशर रेगुलेटर आएगा, ये पंचिंग मशीन आएगा और 2-in-1 मशीन का टोटल सेट रहेगा। बिल्कुल सर। तो सर जैसे अभी आपने मुझे ये सारी चीजें दिखाई हैं, इन सारी मशीन के ऊपर क्या गारंटी रहने वाली है? इस सभी मशीनों में सर सेम हमारा जो पिछले वीडियो में जितना था हमारा 1 ईयर की वारंटी सेम अभी भी रहने वाला, आपको 1 ईयर की फुल्ली गारंटी मिलने वाला है दोस्तों। वारंटी इसमें कोई भी इंक्लूड रहेगा, आपको कोई भी A to Z कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है मशीन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रिप्लेस हो जाएगा, आप लाए और इसको लेके जाइए। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको वारंटी के साथ साथ समर ऑफर से रखा गया है, आपको जो 1000 सभी मशीनों में ऑफ किया गया है उसके साथ साथ आप ये देख पा रहे हैं मशीन के ऊपर रखा हुआ है एक कूलर रखा गया है, ये कूलर आपको मिनी कूलर हमारी तरफ से आपको गिफ्ट के स्वरूप मिलने वाला है। और सभी ये क्रिएटिव सदस्य जितने लोग हैं जितने लोग हमारे इस वैलिड इस समय पे सही टाइम पे इसको परचेस करेंगे मशीन को उन लोगों को ये कूलर पूरा मुफ्त और फ्री गिफ्ट के रूप में मिलने वाला है। जिस प्रकार से मैंने आपको वारंटी गारंटी इसके बारे में पूरा क्लियर किया उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास कौन कौन से मॉडल हैं। काफी कस्टमर का ये भी डाउट होता है कि हमें कौन सा परचेस करना चाहिए पहले कौन सा नहीं करना चाहिए और कौन सा मॉडल कैसा दिख रहा है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, एक हमारे पास 2 मॉडल्स हैं और एक नया मशीन है, इसके अलावा एक 2-in-1 मशीन आएगा जो आप सामने देख पा रहे हैं, सामने पंचिंग मशीन आएगा जस्ट उसके बाजू में सेम ऐसा फीचर्स आएगा बबल रिमोट, हमारे स्पेस कम होने के कारण ये मशीन को हम थोड़ा घुमा के दिखाए हैं। ये हमारा 2-in-1 मशीन आएगा, इसके साथ आपको कंप्रेसर और वैक्यूम का एक सेट आएगा, टोटल ये मशीन आपका 3 का सेट आएगा। इसके अलावा अगर बबल रिमोट और वैक्यूम और पंचिंग मशीन कंप्रेसर सबका सेट आप अलग अलग चाहते हैं टोटल 4 का सेट आएगा दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे ये साइड में आपका बबल रिमोट है राउंड बबल रिमोट और एक हमारा एक आएगा चौरस में बबल स्क्वायर बबल रिमोट। ये बबल रिमोट आप चाहें चाहे आप ये कलर लेना चाहें आप दो जो
आपको दो बबल रिमो में जो भी पसंद हो वो आप बबल रिमो परचेस कर सकते हैं। ये बबल रिमो से आप देख पा रहे हो, ये पंचिंग मशीन आएगा, ये बबल रिमो आएगा दोस्तों। ये ब्लैक के अलावा भी आपको सेम मशीन के कलर का बबल रिमो मिल सकता है। इसमें पंचिंग मशीन आएगा, बबल रिमो आएगा, एक कंप्रेसर आएगा और एक वैक्यूम पंप आएगा। टोटल ये हमारा चार का सेट आएगा। और ये मशीन जो आप देख रहे हैं सामने, ये मशीन टोटल तीन का सेट आएगा। तीन के सेट में आपको 33,000 में टोटल पूरा सेट आ जाएगा दोस्तों। और ये मशीन जो हमारा है जिस पर आपको बताया गया 38,000 में टोटल आपको सेट आ जाएगा। और जो अभी ऑफर चल रहे हैं वो 37,000 है। और ये मशीन जो हमारा, ये मशीन अगर आप लेना चाहते हैं, ये 32,000 में आपको टोटल सेट आ जाएगा। तो गाइस आपने रिजल्ट तो देख ही लिया है, मैंने इसके ऊपर कैसी एलसीडी बनाई थी आपने देख ही लिया है। और इसकी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं कि इसकी क्या वीडियो रहने वाली है कि किस तरह। तो गाइस जैसे कि आप सब जानते ही हैं, मैं आप कोई भी नई मशीन लॉन्च होती है तो उसके ऊपर मैं आपको डेमो ज़रूर देता हूं। तो जैसे कि आप ये मशीन देख रहे हैं, क्रिएटिव इंजीनियरिंग ने ये मशीन दूसरी नई एक नया मॉडल लॉन्च किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी दिखा देना चाहिए और इसके अंदर क्या क्या बारीकियाँ हैं मैं आपको पूरी डिटेल में आपको वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले जो हमारे भाइयों को इंतज़ार रहता है कि इसके परफॉर्मेंस क्या है मशीन की, तो इसके साथ क्या क्या आपको मिलने वाला है। इसके साथ वैल्यू कंपनी का आपको वैक्यूम पंप मिलने वाला है, एयर कंप्रेसर मिलने वाला है आपको आउटस्टैंडिंग का, और ये इसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है तो हमारे पास आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं आपको बता दूँ आज हमारे पास है आज वीवो की LCD, जो काफ़ी भाई आजकल मार्केट के अंदर जो चल रही है हमारी ओप्पो वीवो बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसी के ऊपर मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को तैयार कर ली जाए। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है इस मशीन की। जैसे कि आप सब जानते हैं हमें वेस्ट पेपर पहले उतार लेना चाहिए, वेस्ट उतारने के बाद हमें कोई भी LCD है इस तरह से हमें पकड़ लेनी चाहिए उसको, और पकड़ने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देना चाहिए जैसे कि ये मैंने किया इस पर। और पेस्ट करने के बाद हमें अलाइनमेंट देख लेनी है अपने हाथों के अंदाजे से कि हमें नीचे किस तरह से ये लेकर जानी है। बीच में से इसको एक बार हल्का सा प्रेस कर देना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ ये ओपन कर देना है। गेट ओपन करने के बाद इस LCD को यहाँ पर ऐसे रख देना है। अब काफ़ी भाई कहते होंगे इसका फ्लक्स वायर का क्या होगा, ये मैं आपको पहले ही दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे इस तरह से ये साइड में चली जाती है इस तरह से, ये जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये इसके साथ ब्लैक मेट आपको मिलने वाला है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको और इधर से क्लोज कर देना है और इस डोर को हमें लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद वन क्लिक में ये स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पर पी का निशान दिख रहा होगा पंचिंग, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बबल रिमूवर। बबल रिमूवर चलाना चाहते हैं तो बी दबाना पड़ेगा, पंचिंग चलाना चाहते हैं तो पी दबाना पड़ेगा, तो मैंने पंचिंग चलाने के लिए पी कर दिया। और अब आपको ये जैसे मीटर दिख रहा होगा हमारा गेज मीटर, इसका ध्यान रखना है हमें ये 700 से ऊपर ही होना चाहिए, या उसके आसपास भी होगा तो बबल आने का चांसेस रहता है उसके अंदर, मगर मेरा तो यही कहना रहेगा कि इसको 700 से ऊपर ही रहना चाहिए। तो चलिए इसको हम वेट करते हैं, देखते हैं ये 700 से ऊपर जाएगा हमारा। और ये देखिए 700 से ये ऊपर चला गया है, और यहाँ पर जो हमारा होल्ड टाइम है यहाँ पर सेकेंड हमारा चलने लग गया है। तो चलिए देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये बबल रिमूवर ने अपना टाइम, पंचिंग ने अपना टाइम पूरा कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, इसको बबल रिमूवर में रखनी है। तो पहले हम इसमें पंचिंग में जो देखते हैं कि इसके अंदर बबल वगैरह आए या नहीं आए, कि क्या कंडीशन है। और कंडीशन के आप देख ही रहे हैं ये किस टाइप से हमने पंचिंग करी है इसकी, और मैं आपको एक बार इसको क्लीन करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखनी चाहिए। ये देखिए इसके अंदर हल्के फुल्के से बिल्कुल जो माइनर से बबल हैं, सिर्फ वो बबल हैं इसके अंदर, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर कोई भी बबल हो। आप इसकी कंडीशन देख लीजिए किस टाइप से भी आपको दिख रही है, हल्के फुल्के से माइनर से इसके अंदर आपको बबल नज़र आ रहे होंगे। अभी इसको हमें क्या करना होगा, इसको बबल रिमूवर में रख देना है। ये वाला जो मॉडल है, इस मॉडल के अंदर बबल रिमूवर साइड में लगा होता है। बबल रिमूवर का ध्यान रखें, लेफ्ट साइड अगर हम इसको घुमाते हैं तो यहाँ से ये ओपन होता है, और राइट साइड में इसको हमें क्लोज करना होता है। तो इस LCD को हम यहाँ पे रख सकते हैं, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कम से कम एक साथ LCD अगर रखना चाहते हैं तो इसके अंदर 20-25 LCD बिल्कुल इजी तरीके से इसमें आ जाएंगे। अब इसको अब हमें क्या करना होगा, इसको अब हमें राइट साइड ऐसे कर देना है, टक की एक आवाज़ आती है देखो, ये आवाज़ आना बहुत ज़रूरी है, इस पर आपको ध्यान देना है। फिर हमें क्या करना होगा, फ्रंट पे आना है, बबल रिमूवर का बटन दबाना है, और ये जैसे कि आप देख रहे हैं बबल के लिए एयर हमारी जो होनी चाहिए वो एयर भरनी स्टार्ट हो गई बबल रिमूवर में।
एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे इसके अंदर प्रेशर देख रहे हैं 6 पे आपको दिख रहा होगा, अगर आपको हल्का सा प्रेशर अगर कम करना है या इससे ज़्यादा करना है तो आप इनकी मदद से प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये दो रेगुलेटर इसीलिए दिए गए हैं, एक रेगुलेटर इसके अंदर देख रहे हैं वो पंचिंग का रेगुलेटर होगा और नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं वो बबल रिमूवर का होगा। और ये जो इस टाइम इसके अंदर टाइमर चल रहा है उस टाइमर को देखते हुए 1 मिनट इसके अंदर हो चुका है। इसके अंदर इनबिल्ट जो टाइम आएगा टाइम सेट आपको 3 मिनट का आएगा, बाकी हम इसे 2 मिनट के अंदर ही देख लेंगे। अभी जैसे 30 सेकंड हो गए, 60 सेकंड का वेट करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर 2 मिनट होने वाले हैं, ये 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, बबल रिमूवर ऑफ कर देना है। और जब तक पूरी एयर ना निकल जाए इसको कभी मत खोलना, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। बाकी चलिए देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है अब हमारे फोल्डर की। ये देखिए मैं आपको क्लीन कर देता हूँ फिर एक बारी और। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे कि इसको मैंने क्लीन कर दिया और इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये LCD अभी ग्लास इसके ऊपर चेंज हुआ है। ये आपको LCD नज़र आ रही होगी, बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही होगी। अगर आप इस तरह की कोई भी LCD अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ये मशीन परचेस कर सकते हैं। इस मशीन का प्राइस क्या रहने वाला है वो आपको नीचे या स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आपको पता चल जाएगा।